अध्यक्ष राज्य मंत्री श्रम कल्याण परिषद श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश एवं सदस्य KYIC आयोग भारत सरकार पंडित सुनील भराला गुरुवार को गोरखपुर दौरे पर थे। इस दौरान श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सर्किट हाउस में श्रम विभाग से संबंधित मंडली समीक्षा बैठक की। श्रम विभाग से संबंधित मंडली समीक्षा बैठक में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज के श्रम विभाग के अधिकारियों, श्रमिक नेताओं और व्यापारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर श्रमिकों के उत्थान एवं विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक कैसे पहुंचे इस पर विस्तृत चर्चा की गई। अध्यक्ष राज्य मंत्री श्रम कल्याण परिषद श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश एवं सदस्य KYIC आयोग भारत सरकार पंडित सुनील भराला ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी श्रमिक को सरकारी लाभ से वंचित न रखा जाए। के अभाव में लोग जो निर्माण है वो पंजीकृत प्रतिष्ठान है या दुकान वाणिज्य स्थान का या फैक्ट्री का, ये लाभ जो श्रमिक है उनको जागरूक करना जिससे कि वो योजनाओं के नियमों के बारे में भिगे हो सके और उसका लाभ उठा सके। कल आपको हमारे साथ आए थे और हमने इन्फॉर्म किया था। इसी संदर्भ में मैं इसी बात को पुष्ट करना चाहूँगा जो हमारी जो दूसरा एजेंडा बिंदु है इसमें है कि अब तक जो है क्या कार्रवाई हो, कितने लोग लाभ ले पाए, वो सूची से ही देखने पे आपको लगेगा कि अभी तक इसमें आवेदन की प्रक्रिया एक तो फार्मा होता है, जो पात्र श्रमिक होता है वो आवेदन करता है, वो उपसमायुक्त कार्यालय में या सहायक समायुक्त कार्यालय जो भी है या संबंधित कार्यालय वहाँ पर आमंत्रित करेगा, से उसकी स्वीकृत होती है और स्वीकृत के पश्चात उसके खाते में धनराशि दी जाती है। तो अभी तक जो ये पांचों योजनाएं हैं हम 17-18 का डाटा आपको बता रहे हैं दिया। इसमें मैं अध्यक्ष महोदय से ये भी अनुरोध करूँगा कि हम लोगों को ये जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती कि हमने जो भेजा वो धनराशि गई कि नहीं गई, ये सूचना हमने प्राविधिक शिक्षा प्रवेश हेतु योजना में 5 आवेदन प्राप्त हुए थे, सभी पात्र पाए गए थे, इसको हमने समय कार्यालय भेजा था, इसमें भी उनके RTGS के माध्यम से खाते में धनराशि प्रेषित की गई होगी। मृतक आश्रितों के विधवाओं आश्रितों के लिए आर्थिक आवेदन आए थे जो मुख्यालय भेजे गए, इसी तरह से मृतक आश्रितों के विधवा की हेतु एक आवेदन आए थे जो मुख्यालय भेजे गए, कुल 74 आवेदन आए थे। उस वित्तीय वर्ष में 9 अपात्र थे, 500 पे जांच कर 4 आवेदन मुख्यालय प्रेषित कर देखिए। अभी तक किसी अन्य योजना में आवेदन प्राप्त नहीं हुए, इसमें कुल 177 आवेदन जो कि बहुत ही कम, जो कि यहाँ पर आप जितने भी सभी कल्याण परिषद के सदस्य आदरणीय राधेकृष्ण जी पाठी जी हमारे आज बीच में वाराणसी से और पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में काम करने लेवर ऑफिसर्स और अन्य क्षेत्रों से आए हैं।